भारत गौड़ा नंदिनी नगर विश्वविद्यालय में 67वां ग्रीको रोमन नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारत कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण शरद सिंह जी के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में जल विभाग के मंत्री श्री महेंद्र नाथ ने कुश्ती का उद्घाटन किया, लोगों को कुश्ती के प्रति जागरूक किया। मुख्य अतिथि जी ने माननीय कुश्ती संघ अध्यक्ष जी से आग्रह करते हुए कहा कि कुश्ती में हमें कोई भी पद देने का कष्ट करें। माननीय सिंह साहब ने तुरंत ही श्री महेंद्र सिंह जी को कुश्ती संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रवि शंकर जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित कई मंत्री व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम 11, 12 व 13 तक चलेगा। माननीय मुख्य अतिथि जी ने गौड़ा जिला की जमकर तारीफ की, लोगों को बताया कि ये कार्य कोई भी नहीं कर सकता। जो कार्य आज उत्तर प्रदेश के गौड़ा जिले में माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी के सांसद व कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। अरे आपको बहुत ही कम करके कहाँ पर दे रहे हैं? हाँ बस 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 और सही है। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि जिन्ना अगर प्रधानमंत्री होते देश के पहले। नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप उद्घाटन समारोह 2021 के अवसर पर मैं आज गोड़ा में आया हूँ और मुझको बहुत प्रसन्नता हो रही है। 1200 खिलाड़ी यहाँ पर भाग लेने के लिए आए हैं। नेशनल लेवल का एक कार्यक्रम यहाँ पर जो खेल का आयोजन किया जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं उनको साकार करने के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में एक भव्य आयोजन और खेलो इंडिया खेलो और जीतो इंडिया जीतो का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। निश्चित रूप से खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए और खेल का सम्मान सबको प्राप्त हो और दुनिया में भारत नंबर एक के स्थान पर पहुँचे, उस दृष्टि से ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है और उसके उद्घाटन समारोह में मैं यहाँ पर आया हूँ। हमने देखा है जिस तरीके से टोक्यो में ओलंपियाड में भारत के खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया और उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री ने लखनऊ में उनका सबका भव्य स्वागत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया और उन्होंने एक एक खिलाड़ी से बातचीत करके उनको प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहन किया, प्रोत्साहन हासिल किया है सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के दृष्टि से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आगे बढ़ाने के लिए सरकार तरीके से सभी गांव-गांव में और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है। आज के इस आयोजन के बाद जो 1200 खिलाड़ी यहां पर आज खेल रहे हैं वो सब खेलेंगे और आगे चल करके दुनिया के अंदर गोल्ड मेडल ले आकर के भारत का परचम लहराएंगे। इसी समारोह में मैं आज गोड़ा में आया हूँ। मुझको खुशी है आदरणीय सांसद जी हमारे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जब से अध्यक्षी संभाली है पूरी दुनिया के अंदर भारत की कुश्ती छा गई है, बहुत सारे मेडल प्राप्त हो रहे हैं और आगे और सारे मेडल प्राप्त होंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी खिलाड़ियों के लिए है। यहाँ का खेल सुंदरता फूल खिलेगा, 350 के पार जाएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जितना जितना मंत्री जी जितना अडवाणी जी ने उनको कहा था मैंने आपसे कहा कि पूरे भारत की जनता जनता भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कामों के साथ और योगी के कामों के साथ। R9 भारत के लिए आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट गोंडा से।